फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस को जो आपकी क्लेरिकल मेन के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। ये ब्लड रिलेशन में कुछ कोड दिए गए हैं, ठीक है, और उस कोड की मीनिंग को यहाँ लिखा गया है। उसके बाद इस मीनिंग और इस कोड को ध्यान में रख के आपको इन जो क्वेश्चंस है इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए, लिखा है ए, उसके बाद ये डॉलर बी, मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। जब हम इस डॉलर साइन को देखते हैं, इट मीन्स कि जो भी हमारा सामने का एलिमेंट है वो हमारा ब्रदर, इट मीन्स वो हमारा मेल मेंबर हो जाएगा। तो हम उसको एक साइड में लिखते हैं, एक साइड में हम लोग इस सिंबल्स को लिख के रखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ, ये डॉलर है, इट मीन्स कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। जब भी आप ब्रदर के लिए ये सिंगल रो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये इस चीज को आप जान चुके होंगे। उसके बाद हमारा प्लस है, प्लस साइन का मीनिंग देखिए क्या है। प्लस मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ ए, ए प्लस बी मीन्स बी इज सिस्टर ऑफ ए, नॉट ए इज सिस्टर ऑफ बी। इट मीन्स कि जब प्लस का साइन आप देखें तो उसके बाद जो सेकंड मेंबर है उसके बारे में उसके जेंडर को दिया गया है, ना कि फर्स्ट मेंबर के जेंडर को दिया गया है। इट मीन्स कि यहाँ बी के बारे में बताया गया है कि बी जो है वो फीमेल है और ए का हमें जेंडर यहाँ नहीं पता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और इस सिम्बॉल्स को और उसके मीनिंग्स को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बी के बारे में बताया गया है, ए के बारे में कुछ भी नहीं हमें पता चल रहा है। तो जब हम प्लस का साइन लिखेंगे, इट मीन्स कि बी इज सिस्टर ऑफ ए। अगेन जो है हम सिंगल रो का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमें बी का जेंडर पता है, बी इज सिस्टर ऑफ ए। एंड का मतलब देखिए क्या है, एंड का मीन्स हो गया बी इज वाइफ ऑफ ए। यहाँ फिर से हमें बी का जेंडर पता है, ना कि ए का जेंडर पता है। तो बी इज वाइफ ऑफ ए है, तो हम लोग यहाँ पे बी, अच्छा सॉरी, यहाँ बी और ए दोनों का जेंडर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बी अगर वाइफ है तो ए हमारा हस्बैंड हो जाएगा। और जब भी कपल के लिए हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरो का यूज किया है। उसके बाद देखिए क्या है, एट द रेट है, ओके। तो एट द रेट के लिए क्या है, एट द रेट के लिए देखिए ए इज मदर ऑफ बी। यहाँ ए का जेंडर हमें पता चल रहा है, मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। जब भी हम जेंडर मदर है, इट मीन्स जनरेशन गैप है, तो हम उसे एक एरो से यूज से लिखेंगे। तो यहाँ इट मीन्स हो गया कि ए इज मदर ऑफ बी। यहाँ हमें बी के बारे में नहीं पता है, बी उसका आइदर चाइल्ड भी, सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। उसके बाद देखिए इसका मीनिंग हुआ, ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ हमें ए का जेंडर पता है और ए इज फादर ऑफ बी। ये जो हमारे पांच सिंबल है, इसका हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख लिया है। चलिए मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद हम लोग अब इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एक्सप्रेशन के एट, यहाँ पे देखिए के एंड है, यहाँ एल है, यहाँ एट द रेट एम प्लस एन प्लस ओ, देन हाउ इज ओ रिलेटेड टू को के। तो हाउ इज ओ रिलेटेड टू के, इट मीन्स हमें ओ का सबसे पहले जेंडर पता होना चाहिए और उसका के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे ओ कहाँ है, इस ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ओ कहाँ पर है, ओ हमारा लास्ट में है, इसके साथ प्लस का साइन है, ओके। तो जब भी ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमने प्लस देखा, तो यहाँ देखा सिस्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, आप यहाँ से समझिए, ये प्लस है और यहाँ प्लस है। तो अगर एन प्लस ओ है, ओके, एन प्लस ओ है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि ओ इज सिस्टर ऑफ एन, ओके। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि ओ जो है वो किसी ना किसी की सिस्टर, कुछ भी होगा तो ओ का जेंडर क्या होगा, हमारा फीमेल ही होगा। तो जब ये ओ का जेंडर फीमेल होगा, तो हम अपने ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में है डॉटर इन लॉ, ये हो सकता है, सन इन लॉ नहीं हो सकता क्योंकि ओ हमेशा ही फीमेल होगा। तो सन इन लॉ और शन और अंकल, ये तीन ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब ये जो हमारे पास डी डॉटर और ए डॉटर इन लॉ है, इन दोनों में ओ और के का रिलेशन को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ ओ है और के हमारा सबसे स्टार्टिंग में है, तो जब हम के साथ एंड है, एंड के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, मतलब कि
एंड है, देखिए तो यहाँ एल जो है वो वाइफ है के की, ओके एंड का मतलब है कपल, तो एल जो है वो के की वाइफ है, तो एल और के का जेंडर हमें पता है और ये हमारा अभी एक ही जनरेशन में आएगा, ओके वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है यहाँ। उसके बाद है एट द रेट, एट द रेट मीन्स एल इज मदर ऑफ एम, ओके इस ट्री को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो चलिए हम लोग ट्री को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले है के एंड एल, तो इसमें एल इज वाइफ ऑफ के, ओके ये कपल है तो डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे हम, और वाइफ है तो के ऑटोमेटिकली इसका हस्बैंड हो जाएगा, और जब के हस्बैंड हो जाएगा उसके बाद देखिए एट द रेट एम है, एल एट द रेट एम है, एट द रेट का मीन्स हो गया मदर, इट मीन्स कि एल इज मदर ऑफ व्हाट, एल इज मदर ऑफ एम, अभी हमें एम का जेंडर नहीं पता है, एम प्लस एन है, प्लस का मीन्स यहाँ है कि एम सॉरी एन जो है वो सिस्टर है एम की, अब यहाँ हमें एन का ही जेंडर पता चल रहा है तो एन जो है वो सिस्टर हो जाएगी एम की, तो यहाँ हम लोग इसको माइनस रखेंगे, अभी हम लोगों को एम का जेंडर नहीं पता है। उसके बाद यहाँ फिर अगेन प्लस है, एन प्लस ओ है तो ओ इज सिस्टर ऑफ एन, तो ओ भी जो है वो सिस्टर हो जाएगी एन की, तो ओ का जेंडर हमें पता है, और ओ और के का रिलेशन पूछ रहा है, तो देखिए एक जनरेशन का गैप है और ओ और के का, तो ओ जो है वो के की डॉटर हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक जनरेशन का गैप है, के जो है वो ओ के फादर हो जाएंगे और ओ का के साथ रिलेशन को पूछा है तो ओ उसकी ओ के की डॉटर हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इन एक्सप्रेशन पी, ये है ऊपर का कोलोन क्यू एंड आर एट द रेट एस प्लस टी एट द रेट यू प्लस पी, ये इतना बड़ा हमारा एक्सप्रेशन है, हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, यू का रिलेशन पूछा है आर के साथ, तो चलिए देखते हैं यू, यू यहाँ पे है, यू से पहले एट द रेट है, ओके तो एट द रेट मतलब क्या हो गया, टी इज मदर ऑफ यू, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी इज मदर ऑफ यू, ओके टी इज मदर ऑफ यू और एस प्लस टी है, तो प्लस का मीन्स यहाँ देखिए कि सिस्टर का है, यहाँ पे बी इज सिस्टर ऑफ ए, यानी कि ये एस प्लस टी है तो टी इज सिस्टर ऑफ एस, टी इज सिस्टर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ, अभी हमें एस का हमें जेंडर नहीं पता है। फिर यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट का मीन्स क्या है कि ये जो आर एट द रेट एस है, ओके तो आर जो है वो मदर हो जाएगी किसकी, एस की, तो आर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, आर जो है वो एस की मदर हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्यू एंड आर है, हम लोग पीछे से जा रहे हैं, क्यू एंड आर है तो एंड का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आर इज वाइफ ऑफ क्यू, तो आर हमारा फीमेल है ये तो हमें पता है, और अब ये क्यू की वाइफ हो जाएगी, तो हम लोग क्यू के पास प्लस का साइन रखेंगे, ये कपल है इसलिए हम लोग इसे डबल हेडेड एरो से करेंगे, ओके यहाँ पे आर एस की मदर हो गई। उसके बाद पी है, पी इसका मतलब हो गया पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी कि हमारा पी जो है यहाँ आएगा और पी का भी हमको जेंडर पता है कि वो प्लस होगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, यू का देखिए यू के बारे में पूछ रहा है और यहाँ यू प्लस बी है, अब प्लस का मतलब है कि बी इज सिस्टर ऑफ यू, बी इज सिस्टर ऑफ यू, यहाँ हमें बी का जेंडर पता चल रहा है मगर यू का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है, जब यू का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम नहीं बता सकते कि यू का जो है वो आर के साथ क्या रिलेशन होगा, यू जो है ये देखिए दो जनरेशन का गैप है तो मे बी यू जो है वो ग्रैंडसन हो सकती है, मे बी ग्रैंड डॉटर हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ यू का जेंडर पता नहीं है इसलिए इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे कांट बी डिटरमिन, क्योंकि यू हमारा जेंडर यहाँ नहीं बता पा रहा है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ के, पी इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है कि पी जो है वो के की के जो है वो पी जो है वो के की डॉटर इन लॉ हो जाएगी, इट मीन्स कि पी हमारा क्या होगा, P
पी हमारा फीमेल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में देखना है कि पी हमारा फीमेल है या नहीं। और फीमेल के लिए देखिए हमारे पास हम क्या क्या इसमें देख सकते हैं। फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए से। अब ए में देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा पी है तो एम प्लस पी। तो यहाँ प्लस का मीन्स हो गया सिस्टर, पी इज सिस्टर ऑफ एम, पी इज सिस्टर ऑफ एम। और फिर यहाँ पे पी और ये डॉलर है, पी डॉलर टी, डॉलर का मीन्स हो गया पी इज ब्रदर ऑफ टी। तो यहाँ पी ब्रदर भी हो जा रही है और पी जो है हमारा सिस्टर भी हो जा रहा है। तो ये हमारा जेंडर बता नहीं पा रहा है क्लियरली, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। फिर देखिए ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए, पहले यहाँ पे हमारा पी इज फादर ऑफ टी हो जा रहा है। ओके, तो पी को तो हमारा फीमेल होना है, फादर तो होना नहीं है, मतलब सॉरी मेल मेंबर तो होना नहीं है, तो पी जो है यहाँ मेल हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जा रहा है। शी को देखिए है तो उसमें है आर इज फादर ऑफ के, आर इज फादर ऑफ के एंड के एंड है, तो एंड का मीन्स क्या हो जाएगा, टी इज वाइफ ऑफ के। ओके, टी इज वाइफ ऑफ के एंड अगेन यहाँ पे देखिए पी इज वाइफ ऑफ टी हो जा रहा है, यहाँ भी एंड है यहाँ भी एंड है, तो पी इज वाइफ ऑफ टी हो जा रहा है। तो फिर से हमारा ये टी जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों का आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फिर एक ही मात्र ऑप्शन हमारे पास बी बचता है, चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये एंड के है, के इज फादर ऑफ आर हो जा रहा है। ओके, यहाँ तक राइट है। उसके बाद हमारा ये डॉलर साइन है, डॉलर साइन का मतलब आर इज ब्रदर ऑफ टी हो जा रहा है। ठीक है, तो आर इज ब्रदर ऑफ टी, यहाँ तक हम राइट जा रहे हैं। और उसके बाद है एंड है, एंड का मीन्स हो जा रहा है यहाँ पर कि पी इज वाइफ ऑफ टी। ओके, अब पी जो है वो टी की वाइफ है और यहाँ पे तो ये टी हमारा प्लस हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि किस एक्सप्रेशन में पी जो है वो डॉटर इन लॉ हो जा रही है के का। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा एक्सप्रेशन, पी हमारा एक जनरेशन नीचे है, के उसके ऊपर है, और यहाँ दिख रहा है आपको कि पी जो है वो के की डॉटर इन लॉ हो जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था, आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे समझा होगा।